आसान भाषा में आज बात करेंगे कोलेजियम सिस्टम और जजों की। बात उस फैसले की जिसकी वजह से एक पूर्व जस्टिस ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। आज बात उस दूसरी चिट्ठी की भी होगी जो कोलेजियम सिस्टम के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करती है। क्या है ये मामला जिसमें जज ही दूसरे जज के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, सारा मामला इन दो कागजों का है। पहला 10 तारीख को रिलीज हुआ जिसमें दो जजों की नियुक्ति की खबर आई, और दूसरा 14 तारीख का है जिसमें एक पूर्व जस्टिस ने शिकायत की राष्ट्रपति से। सब बताते हैं आपको। सबसे पहले समझ लीजिए कि मामला क्या है। शुरुआत 10 जनवरी को हुई जब कोलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश महेश्वरी और दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश कर दी। इस सिफारिश के बाद 14 जनवरी को कैलाश गंभीर ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी। पूर्व जस्टिस कैलाश गंभीर लिखा कि यह फैसला गलत है, दूसरी बार ऐतिहासिक भूल ना होने दें। आई रिपीट, दूसरी बार ऐतिहासिक भूल ना होने दें। ये दूसरी बार क्यों है और ऐतिहासिक भूल क्या है, आगे बताएंगे। अगला सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति हुई तो ये ऐतिहासिक भूल कैसे हो गई? इसका जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा कोलेजियम सिस्टम समझना पड़ेगा। ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के ही 4 सीनियर जजों का एक फोरम होता है। देश भर में जजों की नियुक्ति और तबादले की ये सिफारिश करता है। इस सिफारिश को मानना सरकार के लिए जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट में जब जजों की नियुक्ति होती है तब उनकी सीनियोरिटी का ध्यान रखा जाता है। बहुत ही आसान भाषा में कहूं तो जो बड़ा भाई होगा वो पहले जज बनेगा, और इसके लिए बाकायदा देश भर के जजों को सीनियोरिटी के हिसाब से रैंकिंग भी दी जाती है। अब कोलेजियम ने जिन दो नामों की सिफारिश की है उनकी रैंकिंग ही विवाद की असली वजह है, क्योंकि इस रैंकिंग में जस्टिस दिनेश महेश्वरी 21वें और जस्टिस संजीव खन्ना 33वें नंबर पर आते हैं। अगला सवाल, ये जस्टिस कैलाश गंभीर जिनकी चिट्ठी का हम जिक्र कर रहे हैं राष्ट्रपति को, ये कौन है? इन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा? जस्टिस गंभीर दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं। उन्होंने कोलेजियम के इस फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। 2 पन्नों की चिट्ठी है, लेकिन जो मोटा माटी बातें हैं वो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि 11 जनवरी को दोनों जजों की नियुक्ति की खबर पढ़ी तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये सच था। जस्टिस खन्ना की नियुक्ति में देश भर के 32 जजों की सीनियोरिटी की अनदेखी की गई। ऐसा करने से उन जजों की विश्वसनीयता और काबिलियत पर सवालिया निशान लग जाएगा। जस्टिस गंभीर ने यह भी लिखा कि इस बात की चर्चा है कि जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश उनके ताऊ एचआर खन्ना की वजह से की गई। एचआर खन्ना जस्टिस बिरादरी का बहुत सम्मान से लिया जाने वाला नाम। ये वही जस्टिस एचआर खन्ना है जिन्होंने आपातकाल के वक्त सरकार के फैसले पर असहमति जताई थी, जबकि 4 जजों ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। इस फैसले के बाद उन्हें चीफ जस्टिस के पद से हाथ धोना पड़ा था। उस दौर में जस्टिस एमएच बेग भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तब कायदे से इस पद के हकदार जस्टिस खन्ना थे, और यही फैसला पहली ऐतिहासिक गलती था। कैलाश गंभीर ने आगे लिखा कि अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 1.5 महीने पहले ही कोलेजियम ने जस्टिस दिनेश महेश्वरी की वरिष्ठता की अनदेखी कर दी थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के काबिल हो गए? कोलेजियम की ये सिफारिश पुरानी परंपराओं का उल्लंघन है, और जस्टिस गंभीर ने राष्ट्रपति से ऐसा ना होने देने की अपील की। अगला सवाल, कोलेजियम के फैसले पर क्या किसी और ने भी आपत्ति दर्ज की? जवाब है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने भी ऐसा किया है। उन्होंने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के इस फैसले के खिलाफ चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा कि कोलेजियम की तरफ से पहले राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग और दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस राजेंद्र मेनन को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई थी। नई बैठक के बाद फैसला बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाने के लिए जिन नामों पर विचार किया गया उनमें नंद्राजोग सबसे वरिष्ठ हैं। उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो गलत संकेत जाएगा। इसके अलावा देश के पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जे चेलमेश्वर और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एपी शाह ने भी कोलेजियम के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। अब इस फैसले में क्या राजनीति है क्या नहीं, राम जाने। विवाद पूरे सिस्टम को लेकर है। आपको याद होगा जब पिछले साल इसी सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस कॉन्फ्रेंस में रंजन गोगोई भी थे। उस वक्त वो याचिकाकर्ता के रूप में मीडिया के सामने आए थे, लेकिन आज जब वो खुद चीफ जस्टिस हैं तब उन पर व्यवस्था बिगाड़ने के इल्जाम लग रहे हैं।